Hey, welcome guys, welcome back to Tommy Traders. As you can see in my backside. So, आज मैं बात करने वाला हूँ 8 इंच के सील्ड एंक्लोजर के बारे में है, या हम इसको कह सकते हैं 8 इंच की बेस प्लेट, या हम इसको कह सकते हैं अंडर सीड. सो ये तीन सर नाम से मार्केट के अंदर बहुत फेमस है प्रोडक्ट, 8 इंच का बेस प्लेट, 8 इंच की अंडर सीड एंड 8 इंच का सील्ड एंक्लोजर. सो हम तीनों ही नाम से इसको अगर बात करें, इसके बारे में इसको प्रेफर करें, तो तीनों ही नाम इसके सूट होते हैं, क्योंकि ये तो सील्ड है, इसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं दिया हुआ. सो वी कैन कॉल इट सील्ड एंक्लोजर प्लस बेस प्लेट. बेस प्लेट काइंड ऑफ एक प्लेट के अंदर है, क्योंकि बहुत ही स्लिम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको, बहुत स्लिम है. और सेकेंडली इसके अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर भी इनबिल्ट है इसके साथ. आपको एक्सटर्नल एम्पलीफायर, 2 चैनल, 4 चैनल, मोनो एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर नहीं लगाना. सो इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आपको अंडर सीड सबवूफर हमारे पास रेडी अवेलेबल है. इसके बारे में मैं काफ़ी बारे हमारी एक लॉन्ग वीडियो भी थी, जिसके बारे में मैंने 8 इंच के रिलेटेड सारी डिस्कशन की थी उस वीडियो के अंदर. उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया था. ओके, इससे एक प्रीवियस मॉडल भी हमारे पास, जो अभी हमने डिसकॉन्टिन्यू कर दिया है. सो दिस वन इज़ द प्रीमियम मॉडल. प्रीमियम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स आ चुके हैं. सबसे पहले तो इसकी लुक्स की आप बात करो, तो लुक्स आप देख सकते हो, इस पूरी बेस प्लेट को हमने जो है पेंट से, टेक्सचर्ड पेंट से कोटेड किया है. एंड इससे होता क्या है कि इसके अंदर कोई भी पिन पॉइंट भी होल नहीं बचता. सो ये एक अंडर सीट हमारी रेडी हो चुकी है, इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ हैं. नीचे आप हमारा 10 इंच का बॉक्स देख सकते हो, ये भी प्रीमियम रेंज के अंदर ही आता है. इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर डाल चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखी 8 इंच से रिलेटेड कोई वीडियो, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर एटॉमिक ट्रेडर्स. ओके, अब इसके अंदर बात करें इनबिल्ट एम्पलीफायर की, आपने देख लिया इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है. ट्यूनिंग कैसे करनी है, सेम ही एम्पलीफायर्स हम मोस्टली सारी ही 8 इंच के मॉडल्स के अंदर यूज़ करते हैं. तो मिनिमम मैक्स की जो ऑप्शन है वो भी, और 40 हर्ट्ज की ट्यूनिंग प्लस क्रॉसओवर्स, सारी ही फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं. आई विल प्रेफर यू गाइज के 40 हर्ट्ज पे इसका ट्यून रखना, और लाउड वॉल्यूम को जो है, जो इसका वॉल्यूम लेवल है, वो अपने स्टीरियो के हिसाब से, अगर स्टीरियो हैवी है तो देन गो फॉर अ लोअर वॉल्यूम और लोअर साइड वन. अगर आपका स्टीरियो कम आउटपुट दिख रहा है, जैसे आजकल के एंड्रॉइड्स हैं वो कम आउटपुट दे रहे हैं, तो आप इसको फुल पे भी ट्यून कर सकते हो. बिल्कुल भी बेस की डिस्टॉर्शन नहीं होगी अगर आपका इनपुट लेवल स्लो है. नाउ द सेकेंड मोर वन मोर थिंग, 8 इंच अंडर सीट की परफॉर्मेंस बहुत वेरी करती है आपके गाड़ी के स्टीरियो के ऊपर. अगर कंपनी फिटेड है तो 90% चांसेस हैं कि जितने भी स्टॉक स्टीरियोज आते हैं उन सबके साथ ये कंपैटिबल रहती है. रीज़न बिहाइंड क्या है, क्योंकि स्टॉक स्टीरियो के लगाने से पहले हम इसके अंदर लगाते हैं हाई लो कन्वर्टर. सो अगर हम हाई लो कन्वर्टर अगर कोई लगा रहे हैं और स्टॉक स्टीरियो है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी को देता है सबवूफर को, जिससे कि सबवूफर हमारा अंडर सीट प्लेस प्लेट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है. सो गाइज, ये थी इसके बारे में सारी मोस्टली डिटेल्स. इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो फिर कभी बनाएंगे. जो भी इसका प्रीमियम मॉडल है, जिसके अंदर कोई ग्रिल भी हम अपग्रेड करने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, एंड द एम्पलीफायर भी अपग्रेड करने वाले हैं प्रीमियम मॉडल के अंदर ही. कितने का मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा आपको, सारी डिटेल उसके अंदर हैं. वीडियो को आप पूरे तक पूरे एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में हमारे यूट्यूब से ही कस्टमर आए थे, उन्होंने अंडरसीट की हमारी ये वीडियो देखी थी. सो आए, उन्होंने परचेज़ किया हमारा अंडरसीट का प्रोडक्ट, और उन्होंने अपनी इग्निस कार है उनके लिए, उनके पास. सो उस कार के अंदर क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रीमियम मॉडल की ही बात कर रहा हूँ. प्रीमियम मॉडल को उन्होंने इंस्टॉल करवाया है अपनी गाड़ी के अंदर, हमारे यहाँ पर एटॉमिक ट्रेडर्स की फैक्ट्री आउटलेट दिल्ली में आ करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे हमारी इंस्टॉलेशन होती है. वायरिंग भी हमारी प्योर कॉपर की उन्होंने यूज़ करी है. सो द होल प्रोसेस हमने किया, उनकी गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ था, उनका स्टॉक स्टीरियो था. स्टॉक स्टीरियो लगने के बाद कुछ जो परफॉर्मेंस होती है ऑलरेडी स्टॉक स्टीरियो की, स्पीकर्स को कंपैटिबल की होती है तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है. बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने एंड्रॉयड अपग्रेड करा, जिसकी अंदर हम हमेशा बताते हैं कि एंड्रॉइड्स के अंदर इतना हैवी आउटपुट नहीं दिया होता स्पीकर्स के लिए, बेसिकली एम्पलीफायर नहीं दिया होता. सो एम्पलीफायर उन्होंने एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसी के थ्रू जो म्यूज़िक की आउटपुट उन्हें आ रही थी. उसके बाद उन्होंने जो है अंडर सीट प्लान करी है, क्योंकि उनको जो है बेस को इम्प्लांट करना था, बेस को इंक्रीज़ करना था. सो क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है, मैं पूरी जो वीडियो है रिव्यू वीडियो कम्प्लीटली हम कस्टमर का रिव्यू लेंगे,
इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं हम वो दिखाएंगे, किस तरीके से हम मैट के अंदर वायरिंग डालते हैं प्रॉपर वो दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन का काम कितना नीट एंड क्लीन होता है वो हम दिखाएंगे, कौन सी प्योर कॉपर की वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे, कहाँ से हम कनेक्शंस ले रहे हैं वो हम दिखाएंगे। इग्निस कार है बेसिकली हमारे पास, CNG फिटेड है और उसके अंदर जगह कस्टमर बूट स्पेस फिर भी यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हालांकि अगर मैं इसको अगर डिक्की के अंदर लगाएं तो भी आपकी बूट की स्पेस बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होती। स्टिल कस्टमर के कहने के ऊपर हमने इसको सीट के नीचे प्लांट किया, सीट के जो बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस थी मैंने खुद बहुत अच्छा एंजॉय करा। आप पूरी वीडियो को देखो और एंजॉय करो कैसा। सो गाइस एज यू कैन सी इग्निस के अंदर हम लगाने वाले हैं अंडर सीट का प्रीमियम मॉडल लुक, आप देख सकते हो ऑलरेडी एटम प्रीमियम। इनबिल्ट एम्पलीफायर है, 8 इंच का सबवूफर है और लुक्स है आप देख सकते हो इस सीट के नीचे जा रहा है। काम स्टार्ट हो चुका है कम्प्लीटली। गाड़ी अगर मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ी है हमारी पास इग्निस, कस्टमर यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है गाड़ी की स्टार्ट हो चुकी है। इन्होंने कस्टमर ने ऑलरेडी पैनासोनिक का जो है एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल कराया हुआ गाड़ी के अंदर। तो टच यूनिट जो है खुल चुकी है ऑलरेडी, वायरिंग जो है सपोर्टिव है, काम चल रहा है अंदर। मैं आपको बैटरी वायर की तरफ दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर लग चुका है। जैसे कि हम बताते हैं ऑलवेज एटम की प्रीमियम जो हमारी वायरिंग किट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये फ्यूज़ होल्डर है हमारा, अब इसके अंदर से फ्यूज़ लगना बाकी है। एंड यहाँ पर हमारा जो कस्टमर जो फिटर हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं ऑलरेडी, वायरिंग सीट के नीचे जा रही है प्रॉपर। ये साइड पिलर्स हैं, साइड पिलर से होते हुए वायरिंग जो है सीट के नीचे जाएगी, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी, आपको वायरिंग दिखेगी देख रही। आफ्टर इंस्टॉलेशन आई विल शो यू ऑल। तो सीट के नीचे जैसे कि आप देख सकते हो कि वायरिंग जा चुकी है ऑलरेडी, इंस्टॉलेशन होनी है, देन इसकी जो है कम्प्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ डिक्की की तो ऑलरेडी इस डिक्की के अंदर CNG सिलेंडर जो है लगा हुआ है। लेकिन इस गाड़ी वैसी गाड़ी छोटी है थोड़ी, बट डिक्की के अंदर काफ़ी स्पेस होती है। हम इसके अंदर 12 इंच भी लगा चुके हैं और 10 इंच की इनबिल्ट एम्पलीफायर भी लगा चुके हैं, बट क्योंकि कस्टमर का था कि हम इसके अंदर जो है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहते, स्पेस हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। अंडर सीट को हम यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक स्पीकर्स जो है हमारे वो लगे हुए हैं कंपनी के, कोई एक्स्ट्रा स्पीकर्स, कोई ट्विटर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं लगा हुआ। जो इनका स्टॉक यूनिट था एज़ पर कस्टमर, जो इनका स्टॉक यूनिट था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड जब से इन्होंने जैसे ये जो एंड्रॉयड है एंड्रॉयड स्क्रीन लगवाई है तब से इनका कुछ ऑडियो आउटपुट जो है वो कम हो गया है। सो फॉर दैट रीज़न ये जो है आप रीड करा रहे हैं हमारी अंडर सीट। सो अंडर सीट की वायरिंग हो चुकी है। मैं गाइस आपको अर्थ का पॉइंट दिखा दूँ। सो ये हमारा अर्थ का पॉइंट है, अर्थिंग है, यहाँ से हमारी अंडर सीट को एम्पलीफायर को अर्थिंग या ग्राउंड की वायर जिसे हम कहते हैं वो मिल रही है। RC का जो है हमारे पास प्लग ये है, यहाँ से हमारे पास RC की इनपुट आएगी, प्योर कॉपर की RC जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास, और ये है इनपुट जो एंड्रॉयड से हमारे ऑडियो इनपुट जो है मिलने वाली है। सो देखते हैं गाइज क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है अंडर सीट का। इंस्टॉलेशन हो चुकी है अपना 8 इंच की अंडर सीट इग्निस के अंदर, और अभी सीट के नीचे नहीं गिरी, बिल्कुल सीट के नीचे चली जाती है, दिखेगी भी नहीं आपको। वायरिंग हो चुकी है, वायरिंग चेक करो, प्रॉपर इंसुलेटेड, लाइट चल रही है, NCS का गाना लगा दिया मैंने। आप देख सकते हो दिखी नहीं रही है,
बस एंड्रॉइड लगाया हमने। ब्रदर पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, एंड कहाँ से नंबर में कहाँ से मिला, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? मैंने भैया का नंबर यूट्यूब से देखा था, इनकी एक वीडियो देखी थी अंडर सीट सब बोफर की। okay. उससे मेरे को इनका नंबर मिला। अच्छा, जो भी रिसेंटली रिलीज हुई है, अभी हमने डाला अपलोड किया। हाँ, हाँ, अभी अभी 3 वीक्स पहले। ओके ओके, सो आपकी गाड़ी? मेरी कार है इग्निस है, जेटा मॉडल की, जिसमें सब कुछ फिटेड आता है। कंपनी एक्चुअली मेरा क्या था, मेरा कंपनी फिटेड स्टीरियो था, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट मैंने अभी रिसेंटली एंड्रॉयड वाला सिस्टम लगवाया है। जो ये एंड्रॉयड देख सकते हैं हम। ओके, कितने में लगवाया ये एंड्रॉयड, कहाँ से लगवाया आपने ये? मैंने अपने घर के पास शॉप से लगवाया था। ये पैना साउंड का है, 2 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ और 32 GB है। ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग मेरे को पूरी विद कैमरा 10,000 अराउंड लगी थी। ठीक है, बट एक्चुअली इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत डाउन हो गई थी ये लगने के बाद, एंड्रॉइड लगने के बाद। अकॉर्डिंग टू मतलब स्टॉक जो सिस्टम आया था, स्टॉक से, स्टॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बहुत ज्यादा लाउड बेस नहीं सुनता, लो बेस सुनता हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भैया की वीडियो देखी थी, तो मैं उससे आया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। भैया 3 ईयर की वारंटी वैसे भी देते हैं, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है इनका। तो मैंने अभी वो फिट करवाया है, और फिटिंग तो बहुत ही अच्छी है, फिटिंग में कोई इशू नहीं आया मेरे को, कहीं वायरिंग कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट वायरिंग है, सब कुछ फिटिंग है, कपलर टू कपलर फिटिंग रही है। और साउंड क्वालिटी मैंने इससे पहले ब्राजो का भी सुना था, पैना साउंड का है, बट उनके ब्राजो का मैं इनसे ऐसा मतलब प्राइस के कंपैरिजन में देखते रहे, अगर हमारा ब्राजो की थी तो आपने कितने में ब्राजो की? ब्राजो का जो मेरा को पड़ रहा था वो 10,000 अप्रॉक्स का पड़ रहा था विद फिटिंग का। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में ये उससे हाफ से भी कम प्राइस में है, और इसकी क्वालिटी बिल्कुल उससे और उससे थोड़ा बेटर ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी आवाज तेज करने में फटती नहीं है। डिस्टॉर्शन लेवल बहुत है ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता है। एग्जैक्टली, तो सील एनक्लोजर है, सील के हिसाब से जैसे हमने गाने चलाए हैं अभी बीच रही है, थोड़ा सा एक लेजर के अंदर सेटिंग करनी पड़ी, बट आफ्टर दैट गाने का क्या मजा आ रहा है आपको? गाना मेरे को जो स्टॉक सिस्टम से मेरे को चाहिए था कि जो पहले साउंड आती थी उससे और एक दो लेवल अप ही साउंड आ रही है, और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से, जिस प्राइस रेंज में। ठीक है सर, आप रिकमेंड करना चाहोगे आगे? हाँ हाँ, मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, इतना इकोनॉमिकल प्रोडक्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा मार्केट में, और भैया 3 साल की जो वारंटी दे रहे हैं, और जो भैया को प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है क्योंकि खुद ही मैन्युफैक्चरर है, हर कोई आपको इतनी नॉलेज भी नहीं देगा जितनी नॉलेज ये आपको दे देंगे। तो उस हिसाब से बहुत सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पर आए तो लगाने से इंस्टॉलेशन से पहले हमने ये कहा कि आपकी गाड़ी का हम पहले इंस्टॉल कर देंगे फिर ही आप टेस्ट करना, या पहले आपको टेस्ट कराया, मतलब क्या आपने मेरे को पहले टेस्ट कराया था शॉप पे, और वो ओपन एनक्लोज ओपन एरिया था, तो वहाँ पर भी काफी अच्छी साउंड थी, तो फिर हमने कहा चलो कार में सेट करते हैं, और भैया ने एक बात कही थी कि अगर लगाने के बाद भी अगर आपको साउंड अच्छी नहीं मिले तो आप हमें वापस कर देना प्रोडक्ट, हमें कोई इशू नहीं है। right. तो हमने लगाया, और उसके बाद ही साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, कोई मतलब कमी नहीं लग रही है मेरे को वायरिंग के साथ भी और प्रोडक्ट के साथ भी। ठीक है सर।